गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 6 जून के करंट अफेयर यहाँ पर देखने वाले हैं और शुरू करते हैं शॉर्ट न्यूज़। सबसे पहले एक देखेंगे शॉर्ट न्यूज़, जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं मोस्टली उन सबको एक साथ मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया था। जीएसटी कब बनाया गया था? 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 101st अमेंडमेंट के जरिए संविधान में भी इसको शामिल किया गया था, है ना। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी। अब यहाँ पर हम क्यों बात करें जीएसटी की, जीएसटी कलेक्शन के बारे में बेसिकली बात हो रही है कि जीएसटी कलेक्शन जो है मई में वो 12% बढ़ा है, ठीक है। 1.57 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन जो है वो हुआ है। फिर यहाँ पर ग्रॉस का डेटा बताया हुआ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सेंट्रल जीएसटी इसमें 28,411 करोड़ है, स्टेट जीएसटी 35,828 करोड़ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा कुछ आ जाए कहीं पर एलिमिनेट कर सकें आप कि सेंट्रल जीएसटी या फिर स्टेट जीएसटी में से ज़्यादा कलेक्शन किसका है, तो ज़्यादा कलेक्शन स्टेट जीएसटी का है, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है ये 81,363 है, तो दोनों से ज़्यादा इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और परसेंटेज अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12% बढ़ा है, ठीक है। बस ये कुछ चीज़ें याद रखिए। क्वेश्चंस पर आते हैं। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025? 2025 में वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इसको होस्ट करने वाला है UAE। IUCN के द्वारा ये जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इसको कंडक्ट किया जाएगा और IUCN ने अबू धाबी को चुना है एज द वेन्यू फॉर दिस मोमेंटस इवेंट। UAE के बारे में बात करें, कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है यहाँ की, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, PM है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतोम और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबिक है। इंपॉर्टेंट समिट्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जो है जाजपुर ओडिशा में हुई, G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटेरिएट IIC बेंगलुरु, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में, थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये मस्कट ओमान में हुई, 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया के द्वारा होस्ट की गई, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में हुई, 2nd UN वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ये गुजरात में, वाराणसी को नॉमिनेट किया गया था 1st SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, और वर्ल्ड की वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन ये डेनमार्क में देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली? इसका आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। 193 UN मेंबर स्टेट्स है ना, 193, इन्होंने इलेक्ट किया है डेनिस फ्रांसिस को एज द प्रेजिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली। अब ये हैं कहाँ से? तो ये लिखा हुआ है त्रिनिदाद और टबैको से ही बिलोंग करते हैं। अब UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें तो ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन की, और 1953 में विजयलक्ष्मी पंडित जो हैं ये 8th प्रेसिडेंट बनी थी UNGA की, और ओनली इंडियन हैं अभी तक जो जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में 8th प्रेसिडेंट बनी थी। यहाँ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। DG ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के ये हैं जनार्दन प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अब्दुल्ला अल मंडोस बने हैं, सेलेस्टे सोलो ये अर्जेंटीना से हैं, पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल हैं WMO की, ठीक है, सेम मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। चेयरमैन एंड MD ऑफ सेल ये हैं अमरेंदु प्रकाश, MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि सेकी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अजय यादव हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के CEO हैं कीर्ति वसन, उसके बाद हमारे नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण श्रीवास्तव, CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, और 28th CGA हैं SS दुबे। हु वन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023? इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन इमर्ज्ड विक्टोरियस एट द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 में जो हुआ है, और सेकेंड पोजिशन इसमें रही है लुइस हैमिल्टन की, UK से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं।
विनर्स F1 ग्रैंड प्रिक्स के देखिए तो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जो है इसमें मैक्स वर्स्टैपन जीते थे, रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ये भी रेडबुल के ड्राइवर हैं, मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टैपन ने, फिर अजरबैजान जो है ये भी सर्जियो पेरेज ने जीता। मियामी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन, एमिलियो रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन ने। तो आपको ये सिर्फ दो ही नाम याद रखने हैं और इन दोनों में भी सर्जियो पेरेज का है सऊदी अरबियन और अजरबैजान। इसके अलावा यहाँ पर जितने मेंशन किए गए हैं ये सब मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं। रिसेंटली सुलोचना लतकर हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज अ फेमस, कौन एक ये फेमस थी? तो आंसर होगा एक्ट्रेस। बहुत सी हिंदी और मराठी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। फिर कुछ और लोग हैं जिनकी रिसेंटली मृत्यु हुई थी, जैसे सतीश कौशिक एक एक्टर हैं, फिर गॉर्डन मूरे ये इंटेल के को फाउंडर थे, उसके बाद केन्ज़ाबुरो जापानीज राइटर और नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं लिटरेचर में, अजीज़ मुशब्बिर अहमदी ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, AM अहमदी बेसिकली, तो ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं भारत के, ठीक है। और यहाँ पर ये दो लोग और रिसेंटली ही बिल्कुल इनकी मृत्यु हुई है, तो ये हैं एक्टर एंड डायरेक्टर थे आमिर रज़ा हुसैन, यहाँ पर आप इनको देख रहे हैं। इन्होंने बाहुबली और RRR जैसी सुपरहिट मूवीज़ में भी काम किया है। फिर हम देखते हैं एक्टर गूफी पेंटल, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, शकुनी मामा, हाँ BR चोपड़ा की जो महाभारत थी उसमें इन्होंने काम किया था, इनकी भी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव शॉ एंड गौतमी भनोत्री रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये दोनों ही जो हैं रिलेटेड हैं शूटिंग से। बात हम इनकी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो जर्मनी में हमें देखने को मिला, इसमें 2 गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से इंडिया के लिए जीत कर आए हैं ये दोनों ही प्लेयर्स, और इसी के साथ मेडल टैली जो है इंडिया की उसमें 2 गोल्ड मेडल शामिल हो गए हैं, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। और अभी कंपटीशन के 2 ही दिन हुए हैं शुरू हुए और इसमें ही भारत के पास ये मेडल्स आ गए हैं। शूटिंग प्लेयर्स कुछ और भी हैं जैसे कि मनु भाकर, राही सरनोबत, अपूर्वी चंदेला, सौरव चौधरी, दिव्यांश सिंह पंवार, श्रेयसी सिंह, अभिनव बिंद्रा, तो ये सारे प्लेयर्स आपको याद रखने हैं। पूछा जाए कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं तो वो होगा शूटिंग, और हमने यहाँ तो देखा है अभिनव शॉ और गौतमी भनोत। यहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं, तो फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स, इसमें इंडियन स्प्रिंटर हैं अम्लान बोरगोहेन, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। इंडिया ने हराया पाकिस्तान को, किसमें हराया? हॉकी जूनियर एशिया कप चैम्पियनशिप में। इंडिया ने जीता टाइटल ऑफ NSC कावा वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप जहाँ जो कि काठमांडू में हुआ था। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं इन मेन्स जेवलिन रैंकिंग। फिर IPL 2023 फाइनल मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, ऑरेंज कैप इसमें शुभमन गिल को मिली, पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिली, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभमन गिल रहे और स्पॉन्सर इसका टाटा था, जीती कौन? चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बींग डेवलप्ड इन विच स्टेट, तो ये जो है महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। कपिल पाटिल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है ये भिवांडी तालुका जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है इसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बनाया जाएगा इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज। इनिशिएटिव का एम है टू मिनिमाइज कार्बन एमिशंस एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट। और महाराष्ट्र की ही बात कर रहे हैं तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था, रीनेम कर दिया गया था इसे एज अहिल्यानगर। यहाँ पर स्टेट विलेजेस जो न्यूज़ में रहे हैं देख लें एक बार, तो अमित शाह जो हैं उन्होंने लॉन्च किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कहाँ से किया? किबिथू से किया। किबिथू एक बॉर्डर विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर हम देखें बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन, ये लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। बाराबस्ती नागालैंड का एक विलेज है, सेकेंड लार्जेस्ट विलेज इन एशिया है ये, ठीक है। और इसने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन फॉर क्लीन एंड फेयर इलेक्शन। मोधेरा विलेज कहाँ पर है? गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट में है और ये इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज है। दिसपारा विलेज त्रिपुरा का है और ये बना है पहला मॉडिफाइड बायो विलेज इन इंडिया। कुंबलांगी केरला में है
और ये फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना है देश का, ठीक है। फिर है जामतारा विलेज, ये है झारखंड में, और ये बना है द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ऑल ग्राम पंचायत्स हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज। बारगढ़ जो है उड़ीसा में, बारगढ़ का गोविंदपुर डिस्ट्रिक्ट बना है फर्स्ट एवर बर्ड्स विलेज, और यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है वेंकट रायपुर और नोलिया साही को एज सुनामी रेडी विलेजेस, और ये कहाँ पर हैं, उड़ीसा में हैं। हु अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेब्रोनिक्स टीवी, आप पिक्चर में देख रहे हैं कौन है, ऋतिक रोशन है, और इनको बनाया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। ये नाम आप चाहें तो याद रख सकते, वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ जेब्रोनिक्स हैं राजेश दोषी, मत याद कीजिए इतना डेटा भी, कहाँ याद करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं, बस आप याद रखिए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेब्रोनिक्स टीवी ऋतिक रोशन। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स दिए गए हैं, रिवाइज करें तो सचिन तेंदुलकर स्माइल एम्बेसडर बने हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र के। सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं, विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स के बने हैं, आलिया भट्ट गुच्चीज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनी हैं, और आयुष्मान खुराना वेक फिट के बने हैं। फिर ऋषभ पंत जो हैं स्टार स्पोर्ट्स बिलीव एम्बेसडर्स हैं, पेप्सिको इंडिया के हैं रणवीर सिंह, जियो सिनेमा के हैं रोहित शर्मा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, इस बुक के ऑथर कौन हैं, अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत हैं कौन, फॉर्मर CEO रह चुके हैं नीति आयोग के, और फिलहाल ये G20 शेरपा हैं, क्योंकि G20 की मीटिंग हो रही है तो उसके लिए शेरपा अमिताभ कांत हैं, इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई। अब नाउ रिवाइज कर लेते हैं कुछ और बुक्स, तो रिंग साइड जो है डॉक्टर विजय दर्दा के द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर ने इसे रिलीज़ किया था। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ गुड लॉन्ग लाइफ रस्किन बॉन्ड की बुक है। द इंडियन मेट्रोपोलिस डी कंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस वरुण गांधी की बुक है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अभी देखी हमने, माई लाइफ एज अ कॉमरेड के शैलजा की है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन शशि शेखर वेम्पति की है। विच इंस्टीट्यूशन टॉप्ड द NIRF रैंकिंग इन 2023, तो इसमें जो है IIT मद्रास ने टॉप किया है। यहाँ डिटेल देखें तो IIT मद्रास रैंक्ड फर्स्ट इन ओवरऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द 8th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग्स इन 2023। अब सेकेंड और थर्ड कौन रहा है, तो IISc बेंगलुरु जो है सेकेंड पर रहा है, IIT दिल्ली थर्ड पर रहा है। ओवरऑल कैटेगरी में तो देखा हमने IIT मद्रास है, अगर यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में देखा जाए तो IISc बेंगलुरु जो है ये इसको टॉप रैंकिंग मिली है, ठीक है। नेक्स्ट देख, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नोन एज लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये है जम्मू कश्मीर में भदेरवाह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भदेरवाह जैसे हमें पता भी है पर्पल रिवोल्यूशन जो लेवेंडर की खेती के लिए शुरू किया गया था वो जम्मू कश्मीर से ही शुरू हुआ था, है ना, तो उसी कड़ी में भदेरवाह जो है ये इमर्ज हुआ है एज द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया एंड एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू जो है उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था एज पार्ट ऑफ इट्स 1 week 1 lab कैंपेन, और इसमें देखने को मिला भदेरवाह एज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज पर्पल रिवोल्यूशन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ एग्री स्टार्टअप्स, ठीक है, तो आपको इनाम याद रखना है। अब यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु इज़ द विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, पंजाब यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बनारस यूनिवर्सिटी, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।